हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन नेचुरल हेल्थ हैक्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है तरबूज, वाटरमेलन। तरबूज एक ऐसा फल है जिसमें पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यही वजह है कि गर्मियों में इसे खाने से बॉडी में से पानी की कमी ही नहीं पूरी होती, बल्कि बॉडी में, खासकर पेट में, ठंडक बनी रहती है। तरबूज खाना कई बीमारियों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तरबूज हमारे लिए बेहद फ़ायदेमंद फल है। पानी से भरपूर फल होने की वजह से इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। ये हमारे लिए गर्मियों में मौजूद सबसे अच्छे फलों में से एक है। ये डाइजेशन में हेल्प करने के साथ ही फिट और हेल्दी रखने में भी हेल्प करता है। बॉडी को हाइड्रेट रखता है और गर्मी को रोकता है। तरबूज हीट स्ट्रोक, जिसको लू लगना भी कहते हैं, इस कंडीशन में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और ठंडा नहीं हो पाता है, तो ऐसे में तरबूज का यूज़ करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तरबूज उन फलों में से एक है जो गर्मियों में प्यास बुझाने और थकावट को दूर करने का काम करता है, जिस वजह से लू लगने जैसी प्रॉब्लम नहीं हो पाती है। तरबूज कब्ज के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। डाइजेशन ख़राब होने पर कब्ज हो सकता है। कब्ज बच्चों, बूढ़ों और प्रेग्नेंट लेडी में आम होता है। तरबूज में फाइबर, पानी जैसे न्यूट्रिएंट होने की वजह से ये कब्ज जैसी प्रॉब्लम से निजात दिलाता है। तरबूज एनीमिया के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को एनीमिया की शिकायत है और बॉडी में खून नहीं बनता है, तो ऐसे में आपको तरबूज का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ये एनीमिया जैसी बीमारी को ख़त्म कर देता है और आपका खून बनाने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। स्किन के लिए भी तरबूज बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होने से ये स्किन के सूखेपन को दूर करता है और स्किन को हाइड्रेट रखता है और मॉइस्चराइजिंग का काम करता है। तरबूज विटामिन ए से भरपूर होता है। चेहरे के लिए आप तरबूज का फेस पैक भी बना सकते हैं। तरबूज का फेस पैक बनाने के लिए 1 कप कटे हुए तरबूज के साथ 1 चम्मच दही मिलाकर पेस्ट बना लें और 20 मिनट के लिए पूरे चेहरे और गले पर लगा लें। बाद में ठंडे पानी से चेहरा धो लें। ये फेस पैक स्किन को चमक देने का काम करता है और स्किन को मॉइस्चराइज करता है। तरबूज मसूड़ों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तरबूज विटामिन सी से भरपूर होता है और विटामिन सी दांतों और मसूड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तरबूज आँखों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तरबूज विटामिन ए का अच्छा सोर्स होता है, जो आँख के रेटिना में पिगमेंटेशन का काम करता है। तरबूज आँखों की रोशनी बढ़ाने में भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है और आँखों को नई तरह की चमक देता है। इसे तरबूज का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है, उन्हें तरबूज को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तरबूज खाने से उनका बीपी नॉर्मल रहता है और तरबूज उनके सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तरबूज इम्यूनिटी बढ़ाने में भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आजकल इम्यूनिटी की लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए आजकल अपनी डाइट में तरबूज का इस्तेमाल ज़रूर करें। तरबूज विटामिन सी और ए से भरपूर होता है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जिन लोगों को किडनी में स्टोन होता है, उन्हें तरबूज का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि तरबूज में पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये किडनी को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है, इसलिए तरबूज को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। तो फ्रेंड्स, ये तो थे तरबूज खाने के फ़ायदे, और अब जानते हैं तरबूज खाने के कुछ नुकसान। जी हाँ, तरबूज खाने से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे कि आप रात में या ज़्यादा तरबूज खा लेते हैं, तो इससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं तरबूज खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तरबूज को रात में नहीं खाना चाहिए, इससे पेट की आंतों में दर्द हो सकता है, जिससे पेट भी ख़राब हो सकता है। तरबूज में मीठे की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मोटापा भी बढ़ सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान तरबूज का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ये शुगर के लेवल को बढ़ा सकता है, जिससे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तरबूज खाने के बाद चावल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या चावल खाने के बाद तरबूज को नहीं खाना चाहिए, यह आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तरबूज का इस्तेमाल ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं करना चाहिए। जी हाँ, तरबूज को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इससे आपका पेट भी ख़राब हो सकता है और मोशन जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है।
तरबूज खाने के बाद फ़ौरन पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप तरबूज खाने के फ़ौरन बाद पानी पीते हैं तो ये नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि तरबूज ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको तरबूज के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान? वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है।